चलते चलते हंसते गाते यूं कटे सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। नमस्कार, सफर जिंदगी का इस शो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे अतिथि हैं श्री शरद गुप्ता, जो कि रेल सुरक्षा से जुड़े होने के साथ ही एक अच्छे रंगकर्मी, एक अच्छे रचनाकार एवं लेखक हैं। शरद जी बड़े कार्यक्रमों में मन संचालन भी करते रहे हैं, तो आइए हम आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, हमारे शो में आए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अभिव्यक्ति की किन किन विधाओं से आप जुड़े हैं। जहाँ तक अभिव्यक्ति की विधाओं का प्रश्न है, मैं नाट्य लेखन, काव्य लेखन, आलेख और थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? यदि मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं भारत के उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे फादर, उनकी सर्विस राजस्थान स्टेट में थी, इस वजह से मैं बाय बर्थ राजस्थान में ही हूँ और फाइनली कोटा में सेटल्ड हूँ। सर आपकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त? माध्यमिक स्तर तक मेरी शिक्षा राजस्थान के विभिन्न जिलों में झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई है, लेकिन अपर सेकेंडरी के बाद में मेरी जो एजुकेशन है वो कोटा की है। कॉलेज एजुकेशन मेरी कोटा से है। प्रॉपर आपकी कोटा में ही एजुकेशन ज़्यादा हुई। सरद जी आप थिएटर से भी जुड़े हुए, तो इसमें आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? अभिव्यक्ति की कोई सी भी विधा रही हो, निश्चित ही मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि मैं कब और किस विधा से जुड़ता चला गया। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, अचानक एक दिन मेरे एक परिचित ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा नाटक में भाग लेने का। नया अनुभव था, कुछ सीखने की अभिलाषा से मैं उनके साथ गया और वहाँ मेरी मुलाकात जिस व्यक्ति से हुई वो मेरे सम्मानित गुरुजी हैं, श्री प्रभंजन दीक्षित। थिएटर में वो मेरे आदर्श भी हैं और मेरे जो मार्गदर्शक भी वो ही रहे, और उनके माध्यम से ही, उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। सर आप लेखक हैं, तो आप किस विधा पर लिखना पसंद करते हैं? मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे लिखता हूँ या कैसे लेखक बन गया। जो मेरा वास्तविक फीलिंग है, जो मैं खुद महसूस करता हूँ कि कोई भी विचार मेरे दिमाग में आता है और खुद ब खुद शब्द जुड़ते चले जाते हैं, शब्दों के जुड़ने के पश्चात मुझे ये सोचना पड़ता है कि ये शब्द संकलन किस प्रकार तैयार हुआ। मैं विशेष रूप से किसी विधा का लेखक नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैं महसूस करता हूँ कि जो मेरे पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, आज हमारे समाज के सामने जो समस्याएं हैं, इसके प्रति मेरा लेखन, मेरी कलम आगे चलती है। शरद जी थिएटर क्षेत्र से भी अगर आपकी कोई उपलब्धि है तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। यूं तो नाटक अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन नाटक के सफर में मेरी शुरुआत के बाद एक पड़ाव आया जबकि मैंने नाट्य लेखन का प्रयास किया, और एक नाटक जो कि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर था, मेरा कसूर क्या था, पश्चिम मध्य रेलवे अंतर मंडल नाट्य प्रतियोगिता में मैं इस नाटक को लेके प्रस्तुत हुआ था। कुल 11 पुरस्कार नाटक के लिए थे, उन 11 में से 7 पुरस्कार हमने जीते थे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर,
बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ड्रामा, या ये कहिए कि जब अनाउंसमेंट चल रहा था तो सारे के सारे अवार्ड इसी नाटक को आते हुए सुनाई देते थे, और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी अगर जब ऐसा होता है तो जो खुशी महसूस होती है उसे व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद। इसके अलावा यूथ फेस्टिवल 1995 के लिए जब राजस्थान स्तर पर चयन हो रहा था, मैं कोटा मंडल से, कोटा डिस्ट्रिक्ट से टीम लेके जयपुर गया था, और वहाँ पर हमने राजस्थान स्तर पर विजेता का स्थान प्राप्त किया, और मुझे वहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। ये भी नाट्य क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सर, आपकी कोई रचना दर्शकों को सुनाई? बहुत मुश्किल होता है कि किसी एक विशेष रचना को तलाश करके सुनाया जाए, लेकिन फिर भी एक ऐसी रचना जो मानव जीवन के संघर्ष को दर्शाती है, निश्चित रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। मानव जीवन को केंद्र मानते हुए, संघर्ष और चुनौतियों को दर्शाते हुए इस रचना को लिखने का मैंने प्रयास किया था। ओह, ये क्या, जीवन के समर में जंग लड़ते लड़ते ये मैं कहाँ आ पहुँचा। मेरे साथ तो थे मेरे अपने, मेरे तात, किंतु अचानक क्यों मुझे लगता है कि मैं आ गया हूँ जहाँ सैकड़ों आँखें हैं मुझे घूरती सी, मुझे फाड़ देने को आतुर। क्यों इतनी नफरत, क्या मैं मानव भी नहीं हूँ, या बनकर रह गया हूँ घृणा की कोई वस्तु, और मुझे शिकार होना है इन घूरती आँखों का। ओह, ये क्या, वो जो मेरे साथ थे भरोसा बनकर कि शायद कर पाएंगे मेरी कोई मदद जीवन के संग्राम में, आगे बढ़ने में, पर उनके कदमों को शुरुआत में ही बेबस कर दिया है कुछ कुचक्रों ने। अब मुझे ही लड़ना होगा अपने बाहुबल को सहेज कर, और जीतना ही होगा जीवन का ये चक्रव्यूह। हाँ, मैं जानता हूँ अकेलेपन का एहसास मुझे खल रहा है, लेकिन मैं अभिमन्यु, दक्षता का दर्प जिसके सीने में पल रहा है। ओह, ये क्या, जीवन के इस चक्रव्यूह में जितना आगे बढ़ा जा रहा हूँ उतने ही तंग होते जाते हैं आदमखोरों के घेरे, और मैं नितांत अकेला। अब तो मेरे अस्त्र भी कुंद होते जा रहे हैं, रथ जिस पर आरूढ़ होकर मैं आगे बढ़ा था टूटकर बिखर गया है वहीं दूसरी ओर। बढ़ता ही जा रहा है प्रतिद्वंदियों का दबाव, तीर तरकश में भरे हर कोई मुझे डरा रहा है, हाथ में शमशीर थामे जयद्रथ बढ़ा आ रहा है। रथ का पहिया भी अब टूट चुका है, बचाव का आखिरी साधन हाथ से छूट चुका है। ओह, ये क्या, अनगिनत वार से, शत्रु के प्रहार से निढाल होता जा रहा है मेरा सारा शरीर, अंग अंग में उठ रही है असहनीय पीर, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, शायद जीवन का अंतिम प्रहर शनै शनै नजदीक आ रहा है। विकर्षण के इन पलों में किंकर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा सोचता हूं, क्या यही जीवन का सार है। स्वार्थ सिद्धि हेतु हर हाथ में खंजर तैयार है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है वो, इस झूठे वहम में कैसे जीते हैं ये परभक्षी झूठे अहम में, इनके घृणित षडयंत्रों में क्यों लोच नहीं होता, कैसे उन्हें खुद को मानव कहने में संकोच नहीं होता,
क्यों उनको स्वयंपोषी रास नहीं आते, क्या वजह है कि हंसते हुए चेहरे उन्हें नहीं भाते, क्यों करने को आतुर वो उन्नत भाल पर हमला, क्यों धोखे से नाहर की करते चाल पर हमला, सज्जनों को कांटों से भरी क्यों राह मिलती है, छद्मी फरेबियों को क्यों पनाह मिलती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अनीति के सहचरों से डर जाऊंगा, उनके शस्त्रास्त्र के प्रहार से सहज ही मर जाऊंगा? सावधान सावधान आताइयों, मैं तुम्हारे षड्यंत्रों से हरगिज नहीं डरूंगा, मैं समय का अभिमन्यु अंतिम सांस तक लड़ूंगा। किंचित कूट रचना में यदि मैं दम तोड़ दूंगा, ये मत समझना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लक्ष्य संधान को मैं पुनः जन्म लूंगा, हर जुल्म के खिलाफ ये मत समझना तुम्हें छोड़ दूंगा। लक्ष्य संधान को मैं पुनः जन्म लूंगा, हर जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं तनकर, मुझे आना ही होगा किसी उत्तरा की कोख से परीक्षित बनकर, मुझे आना ही होगा किसी उत्तरा की कोख से परीक्षित बनकर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी लिखी आपने। सर, एक रचनाकर्मी के रूप में आपका सफर कैसा? मैं एक लंबे अरसे से, या ये कहिए कि कॉलेज के समय से लिखता रहा, किंतु मैंने कभी भी अपने लेखन को संचित करने का प्रयास नहीं किया। मैंने आलेख लिखे, लोगों ने उनको सराहा, मुझे प्रोत्साहित किया। मुझे ध्यान आता है कि एक बार मैं, जबकि हुल्लड़ मुरादाबादी जी के साथ बैठा हुआ था, मेरे भाषण को सुन के उनकी ये टिप्पणी थी कि ये भाषण कम वीर रस की रचना ज़्यादा लगता है। तब भी मुझे नहीं लगा कि मैं कविता लिख पाऊँगा। मैं कविता सुनता ज़रूर था, कॉलेज के दौरान ही अखिल भारतीय काव्य मंच से जुड़ा, कोटा में जितनी भी कवि सम्मेलन हुए, जितने भी कवि सम्मेलन हुए, मैं सब में उपस्थित रहने का प्रयास करता था। तत्कालीन जितने वरिष्ठ कवि थे मैं उनके संपर्क में आया, उनका स्नेह मुझे मिला। उनमें से एक नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। कुंवर दास से जब भी मेरी मुलाकात हुई, बहुत सरल और सहज भाव से वो मुझे सुनते थे। मेरे आलेखों को सुनने के बाद वो मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे, और हर बार उन्होंने मुझसे कहा, लिखो, अच्छा लिखते हो, किताब छपवाओ। वहीं से मुझे लगा कि शायद मैं कविता लिख सकता हूँ, और पिछले 3 साल, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ढंग से कविता लिखना जो मैंने शुरू किया है, करीब 3 साल का समय हुआ है। मैं नहीं जानता कि मैं कैसा लिखता हूँ, लेकिन मुझे दादा का आशीर्वाद मिलता है, आप सभी लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं, मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छा लिखता हूँ। और एक इत्तफाक ही है कि पिछले साल 2020 में देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में कोरोना ने दस्तक दी। मार्च का ही महीना था जबकि कोरोना बहुत तेजी से इस देश में आया था। उन्हीं दिनों मैंने एक रचना लिखी जो कोरोना को लेके थी। वो रचना इस कदर वायरल हुई कि यदि आप उसको तलाशेंगे तो YouTube पर सैकड़ों पोस्ट मिल जाएंगे, गूगल पर सैकड़ों पोस्ट भरी पड़ी हैं। रचना थी, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, कर्ण भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। इस रचना को जहां कई प्रांत के मुख्यमंत्रियों ने सराहा, वहीं राजस्थान पुलिस ने इस रचना को जयपुर में सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित क्षेत्र में एक प्रभावी साधन के रूप में काम लिया, और अंतिम रूप से
ये रचना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल हुई, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के प्रयास से, उनकी डांस डिवीज़न के 350 स्टूडेंट्स ने, जो कि उस समय 7 देशों में थे, फेसबुक लाइव प्रेजेंट किया और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के लिए इवेंट के रूप में दर्ज किया गया। इसी रचना को पार्श्व गायक श्री उदित नारायण जी ने भी गाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी एक रचना इतना ज़्यादा फैली और लोकप्रिय हुई। जी, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, करना भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, करना भूल तू जरा भी ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू की बाढ़ कर, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। भले तू आज बाध्य है, हर कदम असाध्य है, सहेज अपनी शक्ति को संवार कल, मत निकल मत निकल मत निकल। ये सोच ले तू गर्भ है समाज का, ये सोच ले तू गर्भ है भविष्य का, तू दर्प है, थम जरा समाज की दिशा बदल, मत निकल मत निकल मत निकल। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति आज के समय की, यही मांग है, काफी अच्छा लिखा है आपने। निश्चित रूप से ये एक ऐसा समय है जबकि हम जिस तरीके से भी देश हित में कार्य कर सकें, मानव हित में कार्य कर सकें, हमें करना चाहिए, तभी इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण संभव है। आज के परिवेश के बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आज आदमी बहुत संकीर्ण दायरे में जी रहा है, हम अपने आप तक सीमित होके रहे हैं, जबकि हमारी आवश्यकता है कि हम सब मिलकर साथ चलें, तभी हम कुछ विकास कर पाएंगे। साहित्य और हमारा जो ताना बाना, हमारी जो हमारा साहित्य और हमारी अभिरुचियां, इस दिशा में एक सार्थक प्रयास हो सकती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत रूप सोच है जिसे मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया कि फिर करें प्रारंभ नव निर्माण, आओ मंच पर, देश में फिर फूंकना है प्राण, आओ मंच पर, द्वेष और मक्कारियां बढ़ने लगी है हमें इस वेदना का ज्ञान, आओ मंच पर। तो मैं यही कहूँगा कि हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, कुछ ना कुछ नया करें। यदि हम सृजन से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक और 11 होंगे, हमारा विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। सर, आपसे इतनी विधाओं के बारे में चर्चा हुई, तो क्या कोई और भी विधा बाकी रही जिनसे आप जुड़े हुए हैं? जैसा मैंने बताया कि एक इत्तेफाक था कि मैं इन सभी चीज़ों से जुड़ता गया। एक अवसर मुझे मिला कि मैं आकाशवाणी कोटा में उद्घोषक के रूप में काम कर पाया। इसके अलावा मैं अपने विभाग में भी जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हैं उसमें उद्घोषक की भूमिका निभाता हूँ।
ये भी मेरी एक उपलब्धि है। सर आप अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं। मैं अपने व्यावसायिक जीवन में रेल मंत्रालय में सेवारत हूँ और वर्तमान में रेल सुरक्षा विशेष बल में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी तैनाती अभी आसाम राज्य में लामडिंग में है और मेरा फील्ड ऑफ वर्क रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सर आप इस शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतनी अच्छी जानकारी मिली हमें, बहुत ही अच्छी कविताएं सुनी हमारे दर्शकों ने, आपसे धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता से, दर्शकों से जुड़ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी।